तो टॉपिक है फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ रैंडम शेप्ड वेसल। अब नॉर्मली हमने क्या किया, हम ना आज की डेट में इतनी नॉलेज रखते हैं कि हमें एच हाइट तक पानी दे दो, लिक्विड दो, और हम बेस के ऊपर प्रेशर निकाल सकते हैं एच रोजी, और बेस के ऊपर फोर्स भी निकाल सकते हैं एच रोजी इंटू एरिया। पर हम साइड वेसल पे कुछ नहीं कर सकते, और वो भी तब जब साइड वेसल टेढ़ा हो। तो इसमें लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक ये लगता है मुझे करना क्या है, मुझे फोर्स निकालनी है। किसके ऊपर? दीवारों के ऊपर। कौन सी दीवारें? साइड की दीवारों के ऊपर। तो साइड वॉल्स है, रैंडम शेप्ड वेसल की बात हो रही है इसमें। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस लिक्विड का जो वेट है, इस लिक्विड का जो वेट है वो कितना है? एम जी। तो एक पॉइंट एम जी है। लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, देखो लिक्विड मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। लिक्विड ने अपना भार लगाया बेस के ऊपर, तो बेस ने बदले में क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन लिक्विड पे ऊपर की तरफ। तो हम सारी फोर्सेस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? लिक्विड पे। तो लिक्विड को क्या, देखो लिक्विड ने भार लगाया, वेट लगाया, पर लिक्विड ने क्या लगाया वो नहीं पूछ रहा, लिक्विड को क्या मिला ये पूछ रहा हूं। तो फ्लोर से क्या मिला? नॉर्मल रिएक्शन। लिक्विड का अपना वेट कितना है? एम जी। अब लिक्विड क्या कर रहा है? लिक्विड का जो ये मॉलिक्यूल है, या ये जो वाटर का या लिक्विड का मॉलिक्यूल है, वो दीवार के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो दीवार के ऊपर क्या लगाता है? परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। बदले में ये दीवार इस मॉलिक्यूल पे बदले में क्या लगाती है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इस वॉल के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो बदले में ये वॉल भी मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाती है, और फोर्स टेढ़ी लगती है परपेंडिकुलर टू दी वॉल। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो इसके अंदर जो एक जो इसकी जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं इसे, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि लिक्विड ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाई, तो वॉल ने लिक्विड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, विच इज परपेंडिकुलर टू दी वॉल। इसके तो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अब ऐसी हर मॉलिक्यूल की सेम स्टोरी डायग्राम हर वॉल के हर पार्टिकल पे क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। पानी हॉरिजॉन्टल मोशन में तो है नहीं, और ना ही वर्टिकल मोशन में। तो हॉरिजॉन्टल में भी इक्विलिब्रियम है और वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम है। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट और राइट की फोर्सेस सारी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। और सारी वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल एन वी का मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट कहां करेगा? ऊपर 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 ऊपर। तो कुल मिला के इस पूरे लिक्विड की वेट की वैल्यू कहां करेगी? नीचे। लिक्विड पे फ्लोर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? N1। और लिक्विड की वॉल्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? NV। ऊपर समेशन कर देते हैं, समेशन का मतलब सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिला के एक फोर्स आई कहां पर? ऊपर। और क्योंकि लिक्विड वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो इसलिए ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो हमने क्या निकालना है? σNV। σNV का मतलब सारे सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस जो दीवार ने लगाई इसके ऊपर। तो ये वैल्यू क्या आएगी? mg माइनस n1। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? यहां पे जो भी प्रेशर है इनटू एरिया, प्रेशर यहां पर क्या लग रहा है? एच रो जी इनटू एरिया, एच रो जी इनटू एरिया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट है ये, कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया मैंने, एक कॉन्सेप्ट है। जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि अगर टेढ़ी वॉल्स आ जाए तो कैसे सोचने आपने इसमें, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है टेढ़ी वॉल्स के ऊपर फोर्स निकालने का। आपके पास फॉर्मूला है वेट निकालने का, आपके पास फॉर्मूला है नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर के ऊपर निकालने का। तो दोनों को माइनस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने वेसल ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, उसमें तो पता था कि वेसल ऐसा है, इसमें ऊपर से वेसल ऐसा है और नीचे से ऐसा है। अब वो कहता है कि बताओ वॉल्स के ऊपर लिक्विड ने क्या फोर्स लगाई? रूल नंबर वन, इस लिक्विड का होल वेट कहां पर है? एमजी नीचे। इसके बेस के ऊपर लिक्विड भार लगा रहा है, वेट लगा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो N1 ऊपर, एमजी नीचे है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल इस कंटेनर को यहां पे फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर। ये देखो दीवार के ऊपर फोर्स लग रही है, तो दीवार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लगाएगा?
रिएक्शन की फोर्स। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल दीवार को यहां फोर्स लगाएगा तो बाय रिएक्शन मॉलिक्यूल को यहां फोर्स लगेगी। अब कमाल की बात यह है कि इस वेसल के ऊपर वाले हिस्से पे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स ऐसे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, और नीचे वाले हिस्से पे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है ऐसे। और अगर मैं इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहां आएगा, नीचे, इसका भी नीचे, लेकिन इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कहां आएगा, ऊपर। अब कमाल की बात है इसके वर्टिकल कंपोनेंट सारे नीचे हैं, सारा एन वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन नीचे और इस पोर्शन का ऊपर है। अब मुझे क्या पता कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो दो केस बन सकते हैं। दो केस कैसे बनेंगे, पहला केस ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन N1 तो ऊपर ही है, वेट तो नीचे ही है, तो अगर मान लो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स नॉर्मल रिएक्शन के हैं उनकी वैल्यू छोटी है और इनकी वैल्यू बड़ी है, ऊपर की नॉर्मल रिएक्शंस बड़ी है और नीचे की छोटी है, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन का समेशन कहां आएगा, ऊपर। फिर ऐसे केस में तो इक्विलिब्रियम में ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, तो सिग्मा एनवी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बड़ी वैल्यूज है और ऊपर की तरफ कम वैल्यू, तो नीचे की तरफ समेशन नीचे की तरफ आएगा, N1 ऊपर होगा और वेट mg नीचे होगा, तो यहां से नीचे की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, तो यहां से सिग्मा nv आएगा। मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या आएगा, मुझे ये भी नहीं पता शेप क्या आएगी, और मुझे नहीं पता क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैं सोचना सिखा रहा हूं कि अगर अलग अलग शेप्स हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है यहां तक, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे कि फिर क्वेश्चन आ गया, वो कह रहा है ये फिगर गिवन है, आप इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकाल दें, यानी कि सिग्मा ऑफ एनवी, तो इसकी शेप देखें, इसके शेप से हिसाब से आप स्केल ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, तो मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, तो दीवार मॉलिक्यूल के ऊपर ये फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेज हैं, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनका वर्टिकल कंपोनेंट का आएगा, नीचे 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 और नीचे, सारा समेशन कहाँ पर है, नीचे, वेट भी कहाँ है, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर पे कहाँ है, ऊपर, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू N1, तो सिग्मा एनवी की वैल्यू आ गई। N1 की वैल्यू क्या है, फ्लोर के ऊपर क्या है, प्रेशर क्या है, HRG इनटू एरिया, HRG इनटू एरिया माइनस MG। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, ठीक, आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है वैसे इसकी, बट फिर भी कॉन्सेप्ट है, तो जो रह गया था वो मैंने इसमें करवा दिया।